चलिए आइए पढ़ते हैं एक्सेल। मोबाइल में ही एक्सेल शीट को खोला, ठीक है। एक्सेल को जैसे ही हम ओपन करेंगे, आप देखेंगे रिसेंटली फाइल कोई दिख नहीं रही है, तो मैंने एक फ़ाइल ऐड की, यहाँ से डॉक्यूमेंट ओपन किया। डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद हमें रो एंड कॉलम में सेल मिल जाते हैं। तो अब आपको क्या चाहिए, सीरियल नंबर। तो आप पहुँचे, आपने यहाँ पे क्या किया, टाइप किया सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर। फिर आपने कहा नेम ऑफ नेम, देन आपने कहा इंग्लिश इंग्लिश, और आपने इंग्लिश में कहा हाफ ईयरली। आप पूरा लिख सकते हैं, मैं शॉर्ट में अलियास लिख रही हूँ ओनली आपको समझाने के लिए। एनुअल एग्जामिनेशन, देन टोटल टोटल एंड एवरेज। इसी तरह से इंग्लिश के बाद, इंग्लिश आपका पहला था सपोज़ कीजिए, इसके बाद आपके पास इंग्लिश वन, इंग्लिश ए, हिंदी हो या साइंस हो, जो भी सब्जेक्ट होगा वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। हमने कहा इंग्लिश इंग्लिश टू, इसमें भी मैंने यही कर दिया, हाफ ईयरली, एनुअल, टोटल एंड एवरेज। फिर आपने यहाँ पे कह दिया फिज़िक्स, फिज़िक्स में हाफ ईयरली, एनुअल, टोटल एवरेज। अब आपके पास हो गया केमिस्ट्री, आपने केमिस्ट्री फेयरली, एनुअल एंड टोटल, ठीक है। इस तरह से आप सारे सब्जेक्ट आप ऐसे लिखते चले जाएंगे, ठीक है। अब आपको सीरियल नंबर, अगर आपको 1, 2, 3 को लिखना है, तो आपने 1 एंड 2 लिख दिया, दो लिखना पड़ेगा, मतलब 1 एंड 2 लिखना पड़ेगा आपके लिए, कंपल्शन है। फिर आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, आपको इसको सेलेक्ट करना है, तो आप इसको क्या करेंगे, ऐसे करके सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करते ही देखिए एक ऑप्शन खुल गया, यहाँ पे लिखा कमेंट, क्लियर, फिल, एडिट। तो आपको क्या करना है, फिल करना है। आपने फिल सेलेक्ट किया तो आपका ये सिलेक्शन टूल चेंज हो चुका है। अब जब 1, 2 सेलेक्ट किया तो 1, 1 नंबर ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करता हुआ आपके नंबर, सीरियल नंबर यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। तो ये तो हो गया सीरियल नंबर की बात। फिर आपने नेम डालना है किसी का, नाम डाला, नाम थोड़ा बड़ा आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, टॉप पे, नेम वाली टॉप पे थोड़ा सा पकड़ के खींच देंगे, ठीक है। इसी तरह से बाकी के नाम, जिसका भी लिखना है आपको, आपने डाल दिया, तो नाम सबके आप इसी तरह से सारे बच्चों के नाम डालते चले जाएंगे। अब आपने हाफ ईयरली के जैसे सपोज़ कीजिए नंबर डाले, और दोनों के एनुअल के नंबर डाले आपने, ठीक है, और आपने टोटल करना है। आपने यहाँ गए और आपने कहा हमें टोटल करना है, तो टोटल के लिए ऑलरेडी यहाँ पर फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, फार्मूला टाइप कर सकते हैं, सिग्मा से भी आप फार्मूला लगा सकते हैं। तो आपने क्या किया, इक्वल, आपने फार्मूला लगाया सम, सम ब्रैकेट, यहाँ पर ब्रैकेट आपके पास दी है ब्रैकेट। अब आपने क्या करना है, आपने जो मार्क्स देखिए हाफ ईयरली के सी कॉलम एंड थर्ड रो पे लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, सीधा सीधा लिखा C3, कोलन का साइन आपके मोबाइल पर है, दो डॉट, ठीक है, और आपने यहाँ पे कह दिया D3, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, फार्मूला आपका अप्लाई हो गया। अब आपको फार्मूला ड्रैग करना है, ठीक है, फार्मूला दूसरे पे चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखिए फिल ऑप्शन पे फिर क्लिक किया और बस ट्रैक कर दिया। तो आप खुद देखिए अभी क्या था, C3 आपने लिखा था,
अब आपका ये देखिए फॉर्मूला बार में ऊपर देखिए एफ एक्स जहाँ लिखा है वहाँ सी फोर हो गया, तो ऐसे ही फॉर्मूला चेंज होता रहेगा। एवरेज निकालना है तो आप क्या करेंगे, एवरेज का फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे, आप इक्वल लगाएंगे। टोटल किस कॉलम में है आपने देख लिया, आपका टोटल है ई थ्री में, ई दिख रहा है ई थ्री, आप डिवाइडेड बाई टू कर देंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा। अब आपको इसको भी ड्रैग करके, बार बार फॉर्मूला नहीं लगाना है, सिंपल आप इसको ड्रैग कर दीजिए, फिल पर जाइए क्लिक कीजिए तो आपको ड्रैगिंग ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसको नीचे ड्रैग कर दीजिए तो वो फार्मूला अपने आप से अप्लाई हो जाएगा। इन केस आप चाहते हैं कि फार्मूला बार बार ड्रैग ना करना पड़े तो आप फार्मूला अप्लाई करके आप टोटल ड्रैग कर दीजिए, तो जब जब आप फार्मूला अप्लाई करके, जैसे फार्मूला अप्लाई करके आपने अप्लाई किया और आपने कहा नहीं मुझे तो फिल करना है, फार्मूला जो है अप्लाई कर देना, तो आपने यहाँ पे क्लिक करके फिल पे क्लिक किया और आप खींचते चले गए तो आप देखें सब जगह जीरो आ गया, ठीक है। अब आपने टोटल पे भी यही कर सकते हैं, टोटल पे क्लिक किया और आपने फिल कर दिया, इसको ड्रैग कर दिया तो आप सब देखिए सब जगह जीरो आ गया है। अब आप क्या कर रहे हैं, बच्चे का नाम डाल रहे हैं, ठीक है, आपने बच्चे के मार्क्स डाले टोटल और एवरेज के, तो ऑटोमेटिकली टोटल भी निकल जा रहा है और एवरेज भी निकल जा रहा है आपका। इस तरह से आप टोटल एवरेज कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश को मुझे तीन सेल पे जोड़ देना है, मतलब टोटल एवरेज तक चार सेल तक चाहिए मुझे और उसके मिडल में चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट किए, जैसे ये आज जब आप इसको सेलेक्ट करते हो ना, जैसे आपने इसको सेलेक्ट कर लिया जहाँ तक कि आपको चाहिए वहाँ तक सेलेक्ट किया, यहाँ पर नीचे देखिए आके यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, क्लिक कीजिए तो ये यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, एक तो फिल, फॉन्ट, सेंटर अलाइनमेंट, मर्ज, आपने मर्ज कर दिया तो ये आपका मर्ज हो जाएगा तो सेंटर में आ जाएगा। आप किसी पे भी कीजिए, फिर से मैं दूसरे पे भी दिखा देती हूँ। आपने क्या किया, चार सेल अपने जहाँ पे मिडल चाहिए वहाँ तक सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आप इस वाले यहाँ पर ये बंद रहता है, शॉर्ट रहता है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, क्लिक करते ही ऑप्शन खुल गया। आप धीरे धीरे आप इसको ड्रैग कीजिए, नीचे देखिए आपके पास सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, देखिए सारे ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं। तो आपने मर्ज करना है, आपने मर्ज कर दिया ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाएगा, मर्ज इन सेंटर चला जाएगा, तो आप मर्ज सेंटर भी कर सकते हो। तो इस तरह से आप मोबाइल पर भी आप अपना पूरा का पूरा शीट तैयार कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है, आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।